10/11/2023 को धनतेरस का दिन था। उसी दिन टेलको थाना क्षेत्र में दो लगातार घटना हुई है। एक आपका भुवनेश्वर मंदिर के पास पर्स की छिनतई की गई थी लगभग 12:30 बजे, और उसी दिन लगभग 4:30 बजे टेलको गुरुद्वारा के पास पर्स की छिनतई की गई थी। तो इसकी सूचना टेलको थाना क्षेत्र में दी गई। उसके बाद टेलको थाना प्रभारी और यहाँ के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा एक सराहनीय काम किया गया है, और दो दिनों के अंतर्गत और बिरसा नगर थाना प्रभारी भी थे और उनकी भी टीम थी, तो दोनों के द्वारा एक संयुक्त रूप से छापामारी की गई और पर्स छिनतई में जो तीन अभियुक्त हैं तीनों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। पर्स में हमें 2 मोबाइल मिला है और दोनों मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं और प्लस 600 रुपये बरामद किया गया है। और अभियुक्त का नाम है सनी सिंह और रोहित गुप्ता। ये दोनों एक्चुअली छिनतई किए थे, और जो एक पल्सर बाइक है जिसका यूज़ किया गया था, पल्सर बाइक बिना नंबर प्लेट का था, उसको मनीष रजक नाम के व्यक्ति के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। और मनीष रजक ही बेसिकली इनके द्वारा ये सब काम करवा रहा था, क्योंकि पैसा उन्हीं से प्राप्त हुआ है। और आपराधिक इतिहास भी रहा है, सनी सिंह के ऊपर ऑलरेडी 3 केसेज हैं छिनतई का, और रोहित गुप्ता के पास भी 5 केस है छिनतई का। ये लोग प्रायः किराए के मकान में रहते हैं, और जैसे ये जेल से आते हैं अपना मकान चेंज कर लेते हैं और नई जगह पे उपस्थित रहते हैं, इसलिए इनको पकड़ना थोड़ा टफ हो गया था। परंतु दोनों टीम के मतलब दोनों थाना के जो थाना प्रभारी हैं और जो अनुसंधान करता है, उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ इन लोगों को पकड़ा है और जितने भी सामान हैं उनकी बरामदगी की है। नहीं, ये दोनों केस यहाँ का है, एक भुवनेश्वर मंदिर भी टेलको एरिया में है गुरुद्वारा। हाँ, आपराधिक इतिहास में इनके पास बर्मा माइंस का, जुगसलाई का है, और जो रोहित है उनके पास सिद्धगोड़ा का, और बिरसा नगर और सीताराम डेरा का है। तो आप देख सकते हैं ये क्रॉस पुलिस स्टेशन मतलब घटनाओं को करते हैं, और प्रायतः जैसा बताया गया है कि ये अपना जगह स्थानांतरण कर देते हैं, जैसे कि जेल से आने के बाद वापस कहीं और नया रेंट पे आवास लेते हैं और फिर वही बिना नंबर प्लेट के गाड़ियों के साथ छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल ये अनुसंधान में है, अभी तक गिरोह का नाम पता नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक इंडिविजुअल 2-3 आदमी है जो कि इस तरह के काम को करते हैं, और आपराधिक इतिहास भी इनका रहा है। अगर अनुसंधान के क्रम में किसी और गिरोह का नाम आता है तो हम लोग उस पर भी उचित कार्रवाई करेंगे।